होती है तो पूरी आ जाए सलमान जी। अगर सुनिए, अगर जो दिल में है वो आपको नहीं मालूम तो आप बता कर क्या करेंगे। दिल की बात आप सब जानते हैं, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में क्या है। लेकिन हम डिसिप्लिन में हैं, हम लोग अनुशासित हैं, और इसलिए जब हमारा नेता फैसला करेगा, अपने साथियों के साथ, सभी सहयोगियों के साथ मिलकर बैठकर निर्णय लेगा, तब सलमान साहब। लेकिन ये एक सूत्रों के वाले से फॉर्मूला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम होंगे, अखिलेश यादव डिप्टी पीएम, नीतीश कुमार डिप्टी पीएम, और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय राहुल गांधी ले सकते हैं। इसमें कितना दम है? आप कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। अब इसमें कितना दम है मैं नहीं जानता हूं। लोग ये सब कुछ तो दम है, जिनका भी उल्लेख किया है, वो लोग सब बहुत अच्छे, नहीं वो लोग सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में कितना दम है मैं नहीं कह सकता हूँ। ये सुझाव में दम है संभवतः, लेकिन ये सचमुच दम इसमें सच्चाई का है कि नहीं, वास्तविकता का है कि नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन लोग जिनका भी आपने उल्लेख किया वो सभी अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं। और आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए। पीएम ने जनता पहली बार ट्वीट किया है इन नतीजों के बाद, नतीजों पर पीएम ने जनता का आभार जताया है, धन्यवाद कहा है। चुनाव नतीजों पर पीएम का बड़ा ट्वीट है इस समय की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता का मैं आभार जताता हूं। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जाहिर किया है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी है, यानी सरकार बन रही है, एक बात बताइए, मतलब जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं ट्विटर पे भी कुछ लोगों को कह रहा था कि अब मोदी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। भाई मोदी को सरकार क्यों नहीं बनानी चाहिए? कांग्रेस ने 2009 में 206 सीटों के साथ 5 साल सरकार चलाई, चलाई 130 कुछ सीटों के साथ 2004 में सरकार चलाई कांग्रेस ने। मोदी को 242-247 सीटों के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए, चलानी चाहिए क्यों भाई? एनडीए प्रीपोल अलायंस है, मेजोरिटी के साथ है, क्यों नहीं सरकार चलानी चाहिए? एक और चीज, इंडिया की कितनी सीटें हैं? 234। अकेले बीजेपी की सीटें हैं 240। अमित शाह ने भी ट्वीट कर दिया है, और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका देने के लिए देश की जनता को कोटि कोटि नमन। लगातार तीसरी जीत ये स्पष्ट कर दिया है कि जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ है। यानी अब ये बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा दल बीजेपी है। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और साथ ही साथ फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के। चौहान साहब, आपका अभिनंदन है। तीसरी बार मोदी सरकार, अमित शाह ने कहा है कि जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मोदी को चुनने के लिए। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और साथ ही साथ फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के। चौहान साहब, आपका अभिनंदन है। तीसरी बार मोदी सरकार, अमित शाह ने कहा है कि जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मोदी को चुनने के लिए। देखिए, भाजपा को जनता ने जीता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से नतीजे आए हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नो कॉन्फिडेंस दिखाया है, क्योंकि पहले दो बार 272 से ज़्यादा अपने बलबूते पे बीजेपी की सीटें आते रही हैं, 2014 में, 2019 में, लेकिन अब की बार 270 की गुहार दी थी, लेकिन सीटें 240 के करीब आती दिख रही है। यानी कि मोदी के 10 साल के कार्यकाल को जनता ने नकारा है। मोदी के जो डिविजिव एजेंडा था, जो माइनॉरिटी हेट्रेड की जो बात उन्होंने पूरी चुनाव में चलाई, उसको भी जनता ने नकार दिया है। मैं समझता हूँ कि इस हार की सबसे बड़ी पार्टी तो वो जरूर बन गए हैं, लेकिन कहाँ 370, कहाँ 400 पार, और कहाँ इनकी 240 सीटें आए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। पर मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, पृथ्वीराज जी, आप बड़े बड़े वरिष्ठ हैं, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस, कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की हार, मतलब अगर 242-244 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, तो ये बीजेपी की हार है? तीसरी बार अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है, तो किस तरह से हार है ये भारतीय जनता पार्टी की?
और 100 सीटों के साथ कांग्रेस की जीत हो गई है।